प्रिय साथियों, कोल माइंस रेगुलेशन का 125 नंबर विथड्रावल ऑफ सपोर्ट, विथड्रावल ऑफ सपोर्ट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जो आपसे आज शेयर कर रहा हूं। ज़्यादातर सपोर्ट गैंग जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रूफ साइड को सपोर्ट करता है, आइदर वो डेवलपमेंट में या डिपिल्डिंग में, तो वो सपोर्ट को विथड्रॉ करने में बहुत एक्सीडेंट होता है। सपोर्ट को जब विथड्रॉ करते हैं डिपिल्डिंग में केबिंग के लिए, तो उस स्थिति में ऐसे भी सपोर्ट कभी कभार खोलना जो पड़ता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ होता है। इसके चलते ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं विथड्रावल ऑफ सपोर्ट के लिए। सब पहला सब रेगुलेशन है मैनेजर स्पेसिफाई ऑर्डर्स, एकदम लिखित ऑर्डर देगा, स्पेसिफाई करेगा कि कैसे सपोर्ट विथड्रॉ किया जाए, विथड्रॉ किया जाए, कहीं से उठा करके कैसे लिया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये पहला रेगुलेशन कहता है कि मैनेजर का जिम्मेदार है ये सपोर्ट का, एक ऑर्डर के तहत अपने पूरे गैंग और टीम को, फ्रंटलाइन सुपरवाइजर भी इसमें है शामिल, सबको कैसे क्या क्या करना है। पहला रेगुलेशन में मैनेजर की दायित्व है स्पेसिफाई ऑर्डर्स, आदेश देगा कैसे काम करेंगे सपोर्ट विथड्रॉ के संबंध में। दूसरा सब रेगुलेशन है सपोर्ट सप्लाई कैसे करेंगे, इसको स्पेसिफाई करेगा सपोर्ट सप्लाई। बहुत ही अफसर गोदाम से, स्टोर से आप कोलियरी में कैसे ले जाइएगा, कोलियरी से फेस में कैसे ले जाइएगा, ये सप्लाई जो है फेस में एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सप्लाई, सपोर्ट सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे उसको बांध के ले जाइएगा, कौन टीम होगा एक्सपर्टी। एक घटना आपको हम बताते हैं सप्लाई पर। एक अंडरग्राउंड माइंस था और रूफ बोल्टिंग को ले जा रहा था, ट्रॉली, फ्लैट ट्रॉली में लोड करके बांधे हुए था, रूफ बोल्टिंग को ले जा रहा था। ढाल पर हॉलेज से जैसे ही लोड कर रहा है, वो तेजी से लोड किया हॉलेज क्लासी, और ट्रॉली का जो है कुछ डिरेलमेंट हुआ और अपना रनवे टाइप का स्पीड जो हुआ उससे रूफ बोल्टिंग उससे निकल गया और एक बिल्कुल भल्ले की तरह पूरे गैलरी में छिताया, जैसे बांध छिल छितराता है वैसे। और उसी जगह पर कुछ आदमी उस रास्ते से जा रहे थे, एक दो आदमी उसमें चपेट में है। आप सोच सकते हैं कि रूफ बोल्टिंग जब पूरा स्पीड में लोहा का रूफ बोल्टिंग जब गया और उन लोगों को मारा पैर हाथ देह में, पूरी तरह से जख्म हो गए, जख्मी हो गए और इंजोर्ड हो गए, खूने खून हो गया। तो देखिए सपोर्ट सप्लाई में भी सावधानी रखना। एक बार है सपोर्ट सप्लाई, अब बताते हैं कॉग का फार्मा जो स्क्वायर चॉक जो है वो टब में डाल करके ले जा रहे थे, टब से निकालते समय अपनी उंगली उसमें फंस गया और उनकी उंगली पूरी कट गई। तो ऐसे बहुत तरह की चीजें हैं। तो सप्लाई मैनेजर स्पेसिफाई करेगा कि कैसे सप्लाई करिएगा, यूज ऑफ टूल्स, टूल्स कैसे यूज करेंगे, कौन कौन टूल्स होगा यूज करने के लिए, कंट्री वाहन्स संसाधन साधन क्या होगा। अब देखिए सपोर्ट में टूल्स तो ज्यादातर वुडन सपोर्ट में क्या हम टूल्स रखते हैं, वुडन सपोर्ट में टूल्स हम रखते हैं बसीला है,
आरी है उसको पजाने के लिए औजार होगा रेती। इसके बाद साहुल रखते हैं, धागा रखते हैं मेजरमेंट के लिए, चैन सिल्वेस्टर प्रॉप रखते हैं, प्रॉप विथ डबल चैन सिल्वेस्टर, प्रॉप खोलने के लिए जो डिवाइस है वो, लोड टेल टेल रखते हैं स्टाटा का मेजरमेंट के लिए। तो ये इस तरह का यूज ऑफ टूल्स जो है अ कंट्रीवांस वो है। अब मान लीजिए हाइड्रोलिक प्रॉप है तो उसका एक लीवर होता है। हाइड्रोलिक प्रॉप दो तरह के होते हैं, क्लोज सर्किट एक ओपन सर्किट, तो उसका टूल्स अलादा है, हाई सेट। इस तरह से स्क्रू प्रॉप, ये तरह तरह के जैसे सपोर्ट का इंप्लीमेंट है उसी के हिसाब से टूल्स का प्रोविजन होगा। तो ये मैनेजर स्पेसिफाई करेंगे, ये लिखित देंगे, ये बताएंगे कि कौन कौन टूल्स आप रखिए और उसको प्रोवाइड कराएंगे। कंट्रीवांस भी उसी तरह से साधन क्या क्या करेंगे, एक्स्ट्रा और एडिशनल सपोर्ट के लिए क्या होगा। एक्स्ट्रा और एडिशनल सपोर्ट इसका भी बताया जाएगा कि यहां पर इसको करके एक्स्ट्रा टेम्पररी सपोर्ट लगा दिया जाए या एडिशनल इसके अलावा और लगाया जाए। ये एक्स्ट्रा और एडिशनल सपोर्ट के बारे में भी स्पेसिफाई। सीक्वेंस ऑफ विथड्रॉवल, पहले क्या खुलेगा, विथड्रॉवल जब कर रहे हैं सपोर्ट को हम जब निकाल रहे हैं तो पहले क्या खुलेगा, निकालते समय हमको क्या क्या संसाधन है टूल्स है, ये सारी चीजें का चर्चा हो रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ विथड्रॉवल में जैसे आप मान लीजिए कि कॉग लगा हुआ है डिपिलिंग सेक्शन में, कॉग में कॉर्नर प्रॉप भी लगा हुआ है, तो पहले कॉग खोलेंगे पहले कॉर्नर प्रॉप खोलेंगे। तो इसका सीक्वेंस है, कौन काम पहले करेंगे इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद। तो ये सीक्वेंस जो है उसके अनुसार विथड्रॉवल का स्कीम बनाएंगे। सेफ पोस्चरिंग, अपने आप को सेफ पोस्चरिंग में रखना है। अब टीमर गैंग है या सपोर्ट गैंग है वो टोपी का जो चीन बेल्ट है नहीं लगाएंगे कैसे चलेगा, चीन बेल्ट लगाना होगा हर आदमी को लगाना होगा, लेकिन सपोर्ट में तो दोनों हाथ फ्री रह करके चीन बेल्ट लगाना होगा। आपको कैपलम्प का जो लाइट हेड लाइट है वो कैपलम्प में फिक्स रहना होगा करना होगा, हाथ में लेके काम नहीं चलेगा। तो ये सेफ पोस्चर, आप कहाँ पर हैं खोल रहे हैं तो कौन साइड से खोलिएगा। आप डीप साइड में खड़े हैं खोल रहे हैं तो सपोर्ट तो गिरने का डीप साइड में प्रोविजन रहे मैंने ग्रेविटी से गिरेगा, ऑलवेज राइट साइड से खोलना है। इसके बाद जिधर हम टान रहे हैं जिधर से नट बोल्ट और चैन छटकेगा वो साइड में हमको खड़ा नहीं रहना है, हमको बच के खड़ा रहना है। तो ये पोस्चर है, आपका फुट ग्रिप होना चाहिए फर्म। फर्म नहीं फुट ग्रिप रहेगा तो आप चला रहे हैं और खुद ही अनबैलेंस हो जाएं। तो उस स्थिति में सेफ पोस्चरिंग बहुत जरूरी है, ये आपको गेम के लिए। और ट्रेनिंग इन ऑपरेशंस, हम जो भी विथड्रॉवल कर रहे हैं उसका ट्रेनिंग सही होना चाहिए, कैसे विथड्रॉ करेंगे। और सुपरविजन, एक आदमी के सुपरविजन के अंदर में होगा, ओवरमैन माइनिंग सरदार के सुपरविजन के अंदर विथड्रॉवल होगा। देखिए जब डिपिलिंग है केबिंग के थ्रू होता है, गो फेज में अपरंपार सपोर्ट रहता है। गो फेज है या गैलरी में बहुत सारा जैसे पेड़ वृक्ष लग गया जंगल उस तरह से सपोर्ट किया जाता है। तो जब केबिंग है तो सपोर्ट डिसलोज करेंगे, गोफ को फॉल होने देंगे। हम स्टाटा कंट्रोल और बेटर सपोर्ट तभी कर सकते हैं जब सीक्वेंस के अनुसार गोफ फॉल हो। स्टाटा का नियंत्रण करने का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टाटा को खाली हम सपोर्टे करें, हम मन माफी के स्टाटा को गिरा दें और प्रेशर रिलीज कर दें, ये भी तो सपोर्ट हुआ। तो डिपिलिंग में केबिंग जहां है तो पीछे गोफ को हम गिराते जाते हैं और केबिंग में या स्टोइंग में हमारा सपोर्ट विथड्रॉवल होगा। और जब सपोर्ट विथड्रॉवल होगा तो उस प्रक्रिया में को सही हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे दुर्घटनाएं हो सकती है। एक घटना आपको बता रहे हैं, बिना चैन सिल्वेस्टर प्रॉप से विथड्रॉवल से हम एक गो फेज के पास एक खूटा को खोला जा रहा था। खूटा पूरा लोड लिए हुए है,
अब जैसे ही खोला गया, वो नजदीक में जाकर के खोल रहा था, जैसे ही खुला और उसको डिजलॉक किया, चाल ऊपर से आ गया और वो दब गया, घायल हुआ, हॉस्पिटल जाते जाते, काला जाते जाते एक्सपायर कर गया। अब देखिए वहां की सारी परिस्थितियां जो हो गया घटना का, तब उसका सुपरविजन समझ में आ रहा है, सुपरवाइजर वहां नहीं था। सुपरवाइजर आता है तो कहता है कि चैन सिल्वेस्टर से होना चाहिए, तू लोग जल्दीबाजी में क्यों खोल दिया, उसका जान चल गया, उड़िया था। तो इसलिए सुपरविजन होना चाहिए और सेफ प्रोसीड्यूर से खोलना होगा, इसके लिए ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ये जानलेवा माने ऑपरेशन हो सकता है यदि ठीक ढंग से नहीं किए तो ये दूसरा सब रेगुलेशन है। तीसरा सब रेगुलेशन है, ये दूसरा सब रेगुलेशन, ये तीसरा हुआ, ये दूसरा सब रेगुलेशन। तीसरा सब रेगुलेशन कहता है पावर सपोर्ट के बारे में। पावर सपोर्ट को मैनेजमेंट एक प्लान बनाएगा, फॉर क्या चीज के लिए प्लानिंग, इंस्टॉलेशन के लिए, विथड्रावल के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। आप जानते हैं कि लॉन्गवाल फेसेज में 150 मीटर के लगभग करीब फेस होता है और उसमें 150 पावर सपोर्ट, 100 गो पावर सपोर्ट इस टाइप का रहता है। तो पावर सपोर्ट में बेस फ्रेम होगा, लेग होगा, केनोपी होगा, साइड फ्लैपिंग होगा, स्प्रेग होगा, इस तरह से बहुत हैवी होता है। तो वो पावर सपोर्ट को जब ऊपर आया, ऊपर आने के बाद नीचे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, किस टाइप का ट्रॉली में करेंगे, कौन कौन पार्ट है, तो ऊपर से विभिन्न खुल के आते हैं, नीचे आए खदान में कैसे जाएंगे सरफेस से, सरफेस में जाने के बाद वहाँ पर एक वर्कशॉप प्लेटफार्म बनाया जाएगा, उस प्लेटफार्म पर उस सब गाड़ियाँ लग जाएंगी, ट्रॉली विभिन्न ट्रॉली में रहेंगे पावर सपोर्ट का, और उसको फिर सेट असेंबल किया जाएगा। तो उस टाइप का है इंस्टॉलेशन जिसको कहते हैं। तो फिटिंग करके पावर सपोर्ट को तैयार किया जाएगा, उसके बाद फिर एक एक करके उसको प्लेसिंग किया जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन हुआ लॉन्गवाल फेसेज, जैसे ये 150 मीटर है तो यहाँ एक सपोर्ट, ये टैलेंट है तो एक पावर सपोर्ट यहाँ, एक पावर सपोर्ट यहाँ, एक पावर सपोर्ट, तो ये एक पावर सपोर्ट को असेंबल पहले अलग करेंगे, इसके बाद बारी बारी से पावर सपोर्ट को हम इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे प्रोसीड्यूर, जब वो टाली से आया तो कैसे ऊपर में चैन पुली होगा, चैन पुली से वो बनाएंगे लीवर, लीवर बना करके पार्ट खोल खोल करके उसको हैंग करेंगे चैन कूपी से, चैन कूपी से हैंग करने के बाद उसको सेट करेंगे, फिर नीचे डिवाइस होगा वहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर से बनाया जाएगा, जिसको पुश करके उसको फिट करेंगे, सब जोड़ेंगे। इस तरह से हम पूरा मैनेजमेंट जो है प्लान बनाएगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, कितना मैन पावर होगा, किसकी देखरेख में होगी, क्या क्या वहाँ पर मशीनरी वर्क होगा, और ये सब बना करके एंकरिंग करने का और उसको खींच करके पावर सपोर्ट में जा करके इंस्टॉल करने का। तो ये सारा तरीका लिखित मैनर से होगा, मैनेजमेंट करेगा। विथड्रावल भी उसी तरह से होगा। ये जब पावर सपोर्ट लग गया और फेस चलने लगा, फेस खत्म हो गया तब ना विथड्रॉ करेंगे, और जब पावर सपोर्ट हम विथड्रॉ करेंगे तो उसका एक सर्टेन प्रोसीड्यूर है और उसका भी लिखित 20-25 पॉइंट में लिखित रहेगा कि फर्स्ट पहले हम हटाएंगे, उसको टिल्ट करेंगे, एक एंकरिंग प्रॉप देंगे, एंकरिंग प्रॉप दे करके उसको हम विथड्रॉ करेंगे, विथड्रॉ करके बाद में वहाँ पर हम फ्रंट में ये उसके पास कॉग लगाएंगे, फिर फ्रंट में कॉग लगाएंगे, कॉग जो है स्लीपर का कैसे होगा, हाफ स्लीपर का कॉग होगा कि फुल स्लीपर कॉग होगा, और सीक्वेंस वे में हटाते हैं। एक कॉग हटाने के बाद एक कॉक बीच में छोड़ देते हैं, एक पावर सपोर्ट हटाने के बाद एक पावर सपोर्ट पहले छोड़ देते हैं, सीक्वेंस ये है, फिर
तीसरे नंबर को हम हटाते हैं, तीसरे नंबर हटाएंगे तब फिर जाकर दूसरे को हटाएंगे, फिर तीसरे नंबर पर कॉक देते हैं। इस तरह से सीक्वेंस है, ये लिखित रूप से रहेगा और इसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहेगा विथड्रॉवल के लिए, तभी जाकर होगा। फिर जाकर के वो कैसे चौक ट्रॉली में लोड होंगे, कैनोपी अलग लोड होगा और तब फिर दूसरे सेक्शन में उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये विथड्रॉवल का स्कीम है और उस स्कीम को मैनेजमेंट करेगा। स्कीम अलादा है, उसको आप ये लेजिस्लेशन में बता दिया, लेकिन ये स्कीम जो है ऑलरेडी बना हुआ है, एक तो पेज का रहता है, ओवरमैन माइनिंग सरदार को सप्लाई किया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर को उसको दिया जाता है, उसके बारे में ट्रेनिंग देता है और उसके आधार पर ये लोग काम करते हैं। तो विथड्रॉवल ऑफ पावर सपोर्ट इस प्लान के अनुसार, एक प्लान के अनुसार, इंस्टॉलेशन के लिए एक अलग प्लान है, विथड्रॉवल के लिए अलग प्लान है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलग प्लान है, या कह सकते हैं कि एक प्लान में ये तीनों चीज है, चार पांच पेज का, और उसको समझ करके इसको करना होगा। ये मैनेजमेंट तैयार करेगा पावर सपोर्ट के लिए। क्लियर? चौथा जो है सब रेगुलेशन प्लान, सब रेगुलेशन थ्री जो है ये वाला रिव्यू होगा, बराबर इसमें रिव्यू होगा, कुछ सुधार करने का है तो सुधार करेंगे और अप्रूव्ड किया जाएगा विदाउट एनी एमेंडमेंट, इसमें बिना चेंज किए हुए भी अप्रूव हो सकता है ज्यों के त्यों, या चेंज भी कर सकता है, ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। तो ये चीजें हैं विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। ज्यादातर विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट का दो गो पॉइंट आप ध्यान रखिए। फर्स्ट, गो फेज पर जो सपोर्ट है उसका विथड्रॉवल, डिपिलिंग में। दूसरा, विथड्रॉवल ऑफ पावर सपोर्ट, कैसे लोल करेंगे, कैसे कैनोपी ये करके करेंगे, उसका सीक्वेंस है। तो ये चीज़ें हम आपसे शेयर किए, कभी मौका आएगा वर्किंग के क्लासेज में हम बताएंगे कि पावर सपोर्ट को किस मैनर से करते हैं। ये स्टेचुटरी रेगुलेशन 125 विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट है। धन्यवाद।